दंतेवाड़ा में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इसमें आरटीओ की पूरी टीम शामिल हुई, साथ ही एआरटीओ दीपक शाह भी इस टीम में शामिल हुए और उन्होंने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। और साथ ही जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए उनको उन्होंने उनका चालान न काटते हुए फूल देकर ये समझाया कि वो इस तरह की गलतियां ना करें, यातायात नियमों का पूरा पालन करें, क्योंकि सुरक्षा होगी तो दुर्घटना बच सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया उन लोगों को कि आज अगर वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम उन्हें सिर्फ जागरूक कर रहे हैं ताकि आगे वो इन नियमों का उल्लंघन ना करें, लेकिन अगली बार अगर वो इस तरह की गलती करते पकड़े जाएंगे तो उनका चालान भी काटा जाएगा और उनकी जो जेब है उस पर भारी मार भी पड़ेगी, क्योंकि चालान भारी होगा तो खर्चा भी भारी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो माँ तारा फाउंडेशन थी उसने रेडियम व्हील कैप केयर लेकर आई है वो लोगों के लिए, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है, उसके बारे में भी दीपक शाह जी ने बताया। ये एक ऐसा रेडियम है जो 2 किलोमीटर तक दूर से चमकता है और लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सकता है, लोग इसका इस्तेमाल करें। दीपक शाह ने ये लोगों से अपील की कि लोग इसका भी इस्तेमाल करें ताकि वो अपने जीवन की सुरक्षा कर सके। बाकी आपको और भी इस तरह की जानकारियां हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। देखिए आज तो बहुत सारे कार्यक्रम है, अभी 15 दिसंबर से शुरू हो गया, ये पखवाड़ा कहते हर साल में करता, मैं 4 साल से कर रहा हूँ इंटर गौतम बुद्ध नगर से बाहर भी। तो आज जो हुआ सड़क सुरक्षा में सिर्फ हम लोग का उद्देश्य नहीं है चालान करके किसी को भयभीत किया जाए, उसको एक आश्वास कर दिया जाए आगे आप लोग का देश का भविष्य रीढ़ का हड्डी हो, तो आगे जाके आप हेलमेट पहनो, आप ठीक तरीका से ट्रैफिक सिग्नल मेंटेन करो और सबको कंपल्सरी फाउंडेशन कैप लगाइए। एक कैप से क्या होगा, एक्सीडेंट प्रोन से जो डेंजर ऑफ एक्सीडेंट जो डेथ होता है उसका ग्रैप अभी 4 साल में बहुत सारी कम हो गया। ये 2 किलोमीटर दूर से अगर टायर में लगाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, कुहरा में जो एक्सीडेंट होता है आप देखते हैं हर साल कितना पीड़ित हो जाता है, कितना मर जाता है, कितना परिवार तबाह हो जाता है, उसके करने के लिए माँ तारा फाउंडेशन ने एक छोटा सा कोशिश कर रहा है, तो आगे कोशिश पूरा यूपी में जारी रखेंगे, एक रेवोल्यूशन क्रांति ले आने का कोशिश करेंगे। सर ये पहली बार लॉन्च किया गया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन यूपी जो हम लोग के फाउंडेशन कैप को इंटाइट कर रहा हूँ सब गाड़ी में। मैंने ऑलरेडी 2500-3000 गाड़ी में लगा चुका हूँ, 10-12 हज़ार गाड़ी का भी टाइप है, तो वो करेंगे धीरे धीरे आगे पूरे उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। सर अभी तक जो भी ट्रायल हुआ है उससे रिस्पांस क्या मिला है? बहुत सुंदर सब बोल रहा है, अभी डीसीपी साहब भी इस चीज के लिए उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी जो इसको लगाना है वो हरा में चलेगा। ये सर एक बात आपने बोली थी कि चलान करने से खाली काम नहीं बनेगा, क्या आपको लगता है कि इस तरह से लोगों को एहसास दिलाकर लापरवाही में कमी आएगी? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एडुकेशन, अगर एडुकेशन जर जो होता है एडुकेशन आप नहीं देख सकते तो उस देश व राज्य विकसित नहीं हो सकता, तो हम लोग का सोच विचार है पहले इसको भीत अरे एडुकेशन दे ये क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे उसके बाद उसका रेटिंग होगा। इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब ये फाउंडेशन कैप है, मैं सबको जागरूक करूंगा, माँ तारा फाउंडेशन अभी फ्री में लगा रहे हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9599206806, ये नंबर में कंज मैं अभी मुफ्त में दूंगा, आगे फ्यूचर में और भी ज़्यादा इस पर कोशिश करूंगा समाज सेवा के लिए जितना हो सके, रोड सेफ्टी के लिए माँ तारा फाउंडेशन सबके साथ है, सबके साथ रहेंगे। लोगों को ये प्रोवाइड कहाँ से होगा? वे अभी माँ तारा फाउंडेशन जो प्रोवाइड है अभी खुद दे रहा है, मेरे पास जो स्टॉक है मैं दे रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, आगे भी जितना डिमांड होगा उसी हिसाब से मैं आगे बाहर से लेके भी आऊँगा। ये अभियान 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा से लेकर लोगों की सुरक्षा हेतु ये चलाया जा रहा है। आमतौर पे लोग जो सड़क पे चलते हैं उसके अंतर्गत वो जैसे या तो हेलमेट चलाते हैं या 4 व्हीलर या जो भी हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट में ऐसी खूबी होती है जिसके कारण जो है लोग बच सकते हैं। हेलमेट का प्रयोग इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो गिरते हैं तो उनको सर को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, अगर वो हेलमेट पहनते हैं तो काफ़ी जो है अच्छा रहता है। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है। सर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ नया आज आप लेके आए हैं? आज जो नया है हमारे साथ NGO हैं माँ तारा फाउंडेशन, इनका ज़्यादा बड़ा योगदान है और इनके द्वारा नई नई चीज़ें इन्वाइट की गई हैं, लोगों को फूल दिया जा रहा है, बच्चों को फूल दिया जा रहा है जो हेलमेट नहीं पहने हूँ, इसके अलावा जो है फ्रूटी दिया जा रहा है, इसके अलावा एक ये है जो गाड़ियों में लगाया जा रहा है 4 व्हीलर गाड़ियों में, जिसके अंतर्गत दूर से ही जो है चमक आती है, पीछे वाली गाड़ी जो है इसको चमक करती है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं, पंपलेट बांटे जा रहे हैं, लोगों को इस संबंध में ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, रोडवेज है हमारे साथ, सबके अपने अपने कार्य निर्धारित हैं। इसके अलावा NHAI है, टोल प्लाजा है, ऐसे तमाम विभाग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या संदेश है? लोगों के लिए संदेश है कि सबसे मेन चीज़ होती है टू व्हीलर जो ज़्यादा हर कोई चलाता है। टू व्हीलर लोगों को ये संदेश है कि गौतम बुद्ध नगर और पूरे प्रदेश जो निवासी हैं उनको टू व्हीलर जब भी चलाएं तो ISI मार्क का हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। कई बार देखने में ऐसा आता है कि कई गाड़ियां हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनका सीट बेल्ट काम नहीं कर रहा है, तो कृपया वो इसे बना लें, बनवा कर अपना चलाएं। इसके अलावा ये भी है कि शराब की स्थिति में, नशे की स्थिति में ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवर लोडिंग ना करें। इसके अलावा अन्य भी कई सारी चीज़ें हैं, बीच बीच में रुक लें, अगर बड़ी यात्रा करनी है तो बीच में रुक कर चाय नाश्ता कर लें ताकि उनका जो है नींद का एक जो कैरिकुलम होता है वो टूट जाए। बीच बीच में रुक कर जाएं, लंबी यात्रा कभी भी करनी हो तो रुक रुक कर करें। अगर आप एक्सप्रेसवे पर देखेंगे जो लखनऊ से यहाँ तक आने का है तो कई सारी जगहों पे ब्रेक सिस्टम बना हुआ है कि वो रुक लें, चाय नाश्ता कर लें, वॉशरूम हो लें। ये इसीलिए बनाए गए हैं कि ब्रेकेज होता रहे, काम में रुक रुक कर होता रहे, गाड़ियाँ चलती रहें, क्योंकि बीच में कैमरे बहुत सारे लगे हैं, अभी भी कैमरे बहुत सारे लग गए हैं और लगने भी हैं। लगभग 1.5-2 हज़ार कैमरे अभी लगने हैं जो पुलिस विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, तो इससे बहुत सहयोग मिलता है लोगों को। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया वे यातायात के नियमों का अनुपालन करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया आप सबके पर्सन का।